आज फिर लेट हो गई दीदी। आप मेरी स्कूटी की चाबी देखी गई? आप हंस क्या रहे हो दीदी, चाबी दो ना प्लीज, इंग्लिश क्लास के लिए आज फिर लेट हो जाऊंगी। क्या दीदी, लिसन, इस कोविड के टाइम में बाहर जाना सेफ है? तो क्या करूं दीदी, क्लास थोड़ा मिस करूंगी। अरे बाबा, तो ब्लॉसम डिजिटल की ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस है ना। You want to learn about active voice and passive voice. Just see, आपको मैं बताता हूँ कि क्या active verb है और क्या passive verb है. Just see this one. अगर आप ये एक slide देख रहे हैं, इसमें लिखा है the cat drank the milk. You can see the cat drank the milk. Okay, just see this one. If I talk about this sentence, the cat is subject here. यहाँ पे cat जो है वो subject है. एंड अगर मैं बात करूं कि इस ड्रिंकिंग वर्क को किसने किया है, इस ड्रिंकिंग वर्क को भी किया है कैट ने. इसका मतलब डूअर भी कौन है, डूअर भी कैट है. तो हमारा सब्जेक्ट भी कैट है एंड डूअर भी कैट है. और जब हमारा सब्जेक्ट एंड डूअर सेम होता है, इसका मतलब हमारी वर्ब जो होती है वो एक्टिव होती है और जो वो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस होता है. अरे वाह, ये तो कमाल है, मुझे तो अच्छे से समझ भी आ रहा है. दीदी पहले क्यों नहीं बताया आपने? अब बाहर जाना कैंसिल और घर में ही ब्लॉसम डिजिटल पे इंग्लिश क्लासेस ऑन.